तो देखो गाइस, एक तो ये येलो वाली तैयार हो रही है जिसमें हेडलाइट ग्रिल, वाइजर एक्सटेंडर, क्रैश कार्ड और बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और लग रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अंडर प्रोसेस है। फॉग लैंप्स की फिटिंग हो रही है, वायर जितनी भी है वो भाई किसी भी तरह की कटिंग नहीं है, जो भी काम है जेन्युइन है, कपलर टू कपलर फिटिंग है। तो एक यहाँ पर खुली पड़ी आप देख सकते हो। इसके अलावा इसमें जो है कैमरा माउंट हो गया आपका, और इसके अलावा जो है मोबाइल होल्डर हो गया। बैक साइड में देखो साइड पैनियर्स, टॉप बॉक्स, फिटिंग वगैरह भी इसकी लगभग लगभग लग चुकी है। तो एक तो ये हो गई आपने येलो वाली, और इसके अलावा एक वाइट वाली यहाँ पर खड़ी है, इसमें भी काम चल रहा है, काफ़ी सारा सेम वर्क होने वाला है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जैसे कि हेडलाइट ग्रिल हो गई, रेडिएटर ग्रिल हो गई, सम गार्ड, और इसमें भी गाइस आप देख सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों का काम किया जा रहा है। इसी तरीके से ये वाइट वाली है अपनी, और लुक देखो कितना ज़्यादा ह्यूज है। सेम इसमें भी देख लो गाइस, साइड पैनियर, स्टॉप बॉक्स। एक पीछे और खड़ी है ब्यूटी, वो आपने देख ली जी। इसी तरीके से मैंने ली हुई, इसको फ्रंट में मोबाइल होल्डर, अपना कैमरा माउंट वगैरह लगा हुआ है। ये रिश्तों GS 310 भी है फुल लोड, इसमें वाइजर एक्सटेंडर, हैंड गार्ड, फॉग लैंप्स, क्रैश गार्ड, साइड पैनियर, स्टॉप बॉक्स, रेडिएटर ग्रिल, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस इसमें भी देख सकते हो आप। तो इसका तो वीडियो अलग से आएगा, लेकिन जो अपनी बेनेली है तो बेनेली का सारा वीडियो मैं कवर कर दूंगा एक ही में। बाकी आप इसमें देख लो काफ़ी सारी चीज़ें, जिन लोगों के पास GS है तो वो चेकआउट कर सकते हैं भाई, फुल लोड है ये भैया। एक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी दोस्तों। तो ये देख लो फुल्ली जो है भाई मेटल में है, रिफ्लेक्टर के साथ में है, और अपने पास GS के भी स्पेशल मिल जाएंगे जिसपे GS की ग्राफिक, टायर है, अगर सब कुछ में लगा हुआ है ये देख लो। और इस तरीके के जो वर्क है आप किसी भी बाइक में कर सकते हो, हर बाइक की अलग फिटिंग है, अलग अलग इसकी जो है कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये आप देख लो एक बार लुक इसका, है ना, पूरा इम्पोर्टेड जेन्युइन फिटिंग है, बाहर से ऐसा लगेगा नहीं कि आपने। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, एक बार फिर से लेकर आ गए आप लोगों के लिए बेनेली TRK 502 पर मॉडिफिकेशन। जितनी भी इसकी वीडियो बनी है, ज़्यादातर वीडियो ऐसी थी कि मैं नहीं बना पाया, भाई साहब बनाते हैं उसमें अपनी टूटी फूटी आवाज़ डालता हूँ तो वो उतना मज़ा नहीं आता। आज सारे तालमेल बराबर रहेंगे, इसमें जो चीज़ें लगाने वाले हैं, जो एक्सेसरीज एड ऑन करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसकी सारी एक्सेसरीज हमारे पास मिल जाएंगी। जो इसमें कुछ लगी हुई है कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो दिखाएंगे करके। बिल्कुल, सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके जितने भी सामान है ना, ये हमारा खुद का ही बना हुआ है, कोई मार्केट का नहीं है, कोई इंडोनेशिया, पाकिस्तान है, कहीं और का नहीं है, सिर्फ इंडिया का ही है और सिर्फ हमारा है। जैसे कि इसमें हेडलाइट ग्रिल हो गई, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। सम इसका TRK की ब्रांडिंग के साथ गार्ड, ये भी हमारी खुद की है, ठीक है। TRK का सम गार्ड होगा, ये भी हमारा खुद का है, मेटल में है, मेटल में नहीं एल्युमिनियम में, ये एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम है, ये भी एल्युमिनियम है, ये गाइस एल्युमिनियम हो गया, ये भी एल्युमिनियम, ठीक है। तीनों चीजें इसकी एल्युमिनियम के अंदर बना रखी, तो जंग लगने को टेंशन ही नहीं है, मैट ब्लैक में ले रखा है इसको। इसके बाद आते हैं क्रैश गार्ड, तो ये भी हमारा खुद का है, जो कि प्रॉपर फिटिंग है, फिट होने के बाद आपको इसकी पूरी लुकिंग दिखाने वाले हैं हम आपको। और इसको लगाने के बाद और ज़्यादा बल्की हो जाएगी और सेफ्टी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बाहर है, मान लो कभी गलती से गिरती भी है तो स्क्रैचेस डैमेज हो सकते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी है। रेडिएटर जो है बहुत सेंसिटिव पार्ट है, आप लोगों को पता है, एक्सपेंसिव भी रहता है, तो इसकी प्रोडक्शन भी जरूरी, इसलिए रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर लगा रखी है। मॉडल है ये आपका है मेटल के अंदर फ्लिप वाला, फ्लिप के फ्लिप करोगे इसे तो ये आपका होगा, ये आपका येलो हो जाएगा, और इसको ओपन करने के लिए हल्का। पहली बात तो ये जो एक्सपेंसिव बाइक होती है ना, एकदम लगता है ना प्रीमियम चीज़, BMW हो या कोई भी तुम्हारी बाइक से जो लगता है भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, तो उस पर लगा सकते हैं, नॉर्मल भी लगा सकते हो। तो इसके आपका ये रहेगा एक्सटेंडर, जो कि वाइजर एक्सटेंडर, वाइजर एक्सटेंडर, जो कि वाइजर और ज़्यादा आपको लॉन्ग हो जाएगा और फ्रंट से लुक भी इन्हेंस हो जाएगा। इसकी फिटिंग ये आती है कुछ इस तरीके की, अभी अनकम्प्लीट है, कम्प्लीट पर तो मज़ा ही जाएगा भाई। जो कि साइड स्टैंड जैकेट लगेगा मेटल का इस जगह पर, जो कि आपकी बाइक की स्टेबिलिटी बढ़ा देनी। टॉप बॉक्स हो गया इसके अंदर, टॉप बॉक्स लगाने से पहले यहाँ पर फिटिंग देख सकते हो नीचे, आप जस्ट प्लग एंड प्ले इसको निकाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो खुद भी, ये नहीं है कि जहाँ पे भी आपने बाइक स्टैंड की उसमें कोई एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ तो आप लोगों को यहीं पर छोड़ के जाना है, इसको उठा के आप होटल में, घर में रख सकते हो, जब आपको राइड प्लान करना है तभी आपको लगाना है। साइड पैनियर्स, साइड पैनियर्स की बात करते हैं, क्योंकि इसके जो है ना, वैसे तो कंपनी इसको देती है ये जिस दिन सैडल स्टे वगैरह होती है, बट क्या होता है ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर हमें नहीं लगता प्रॉपर, जो हमारे पास है वो थोड़ा सा और भी ज़्यादा लगता है देखने में एक्सपेंसिव, मैं भी देखता हूँ और वीडियो के एंड वो दिखाएंगे आपको। बाकी साइड पेंट्स आप लुक के लिए देख सकते हो, एक आइडिया के लिए कि यहाँ पर लगे हुए GS है आप लोगों के पास, या कोई बाइक है हर तरीके के टॉप बॉक्स है, वहाँ पर भी देखो टॉप बॉक्स एंड साइड पेंट्स वहाँ पर लगे पड़े हैं और गोदाम पर भी बहुत सारे हैं, तो वो आप लोग देखते रहते हो, जो नहीं देखते उन्हें बता दूँ काफ़ी सारे टॉप बॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे हर तरीके के साइड पेंट्स विद फिटिंग, फिटिंग भी उसकी प्रीमियम, ऐसा लगेगा नहीं आपने बाहर से कैसे काम करा रखा, बिल्कुल जेन्युइन शोरूम वाला काम। ये आपका TRK का अपने पास जन्म मिल जाएगा, GS का मिल जाएगा, वर्षा से का मिल जाएगा, और KTM का, एडवेंचर का मिल जाएगा, और 1250 GS का मिल जाएगा। बाकी अपने पास सारी गाड़ियों के आपका यूनिवर्सल फिटिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। और एक यूनिक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, ये देखो गाइस, ये इसका टायर प्रेशर बताएगा, प्लस मान लो पंचर करवा रहता तो ये आपको बता देगा, प्लस इसमें टाइम भी है,
और भी ये काफी यूनिक है। हमें ऑर्डर मत देना, ये भैया ने ऑनलाइन ही परचेस करा है, कहीं आप इसके लिए हमें ऑर्डर दे प्लीज, बता रहा हो सका तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बात की बात है, कंफर्म नहीं है तो कंप्लीट करते हैं, आपको दिखाते हैं फिर फाइनल लुक। तो जो भी आपको एक्सेसरीज दिखाई थी शुरू शुरू में, तो फाइनल रिजल्ट एक बार आप देख लो। क्रैश गार्ड जो आपने देखा था, सबसे पहले क्रैश गार्ड ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देख सकते हो आप, जो कि इसको लगाने के बाद अब टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका फ्रंट बहुत ज़्यादा बल्कि है, बाहर निकला हुआ तो उसकी सेफ्टी के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो क्रैश गार्ड आ चुका है इसका। ये क्रैश गार्ड हो गया, इस पर डबल स्लाइडर है, एक बार फ्रंट से भी दिखा दो इसको। तो फुल्ली सेफ्टी और फुल्ली ह्यूज बाइक, बीस्ट बन चुकी है ये फ्रंट से भाई, ऑल अबाउट। तो क्रैश गार्ड की जो फिटिंग है वो आप देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ से भी और दोनों साइड से भी, और क्रैश गार्ड के जो है काफ़ी सारे डिज़ाइन और भी आने वाले हैं, तो वो भी चीज़ है। तो ये क्रैश गार्ड हो गया, इसके अलावा फॉग लाइट्स में लगा रखी है, जिसमें जो है वाई वाला लुक है, एच जी की है, या फिर इसको आप मर्सिडीज़ वाले भी कह सकते हो। तो पहला तो इसका जो फोकस होता है वो होता है वाइट का, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, और दूसरा होता है येल्लो का, और दोनों का भी आप कुछ देख सकते हो इस तरीके से फोकस आएगा दोनों का। ये राइट, येल्लो एंड वाइट दोनों एक साथ, या फिर आप येल्लो या फिर ओनली वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। और इसको लगाने से पहले आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो है क्लैंप्स भी लगा रखे, ताकि किसी भी तरीके का वाइब्रेशन का इशू ना हो राइडिंग के दौरान, जहाँ आपने टाइट कर दिया सो कर दिया, बहुत ही हैवी है, वाटरप्रूफ, ठीक है जी। रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हो अंदर, जो कि TRK की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और रेडिएटर मान लो, जैसे कभी कोई मान लो बाइक चल रही है, कोई पत्थर लगता भी है, तो रेडिएटर डैमेज हो सकता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आएगा सम गार्ड, आ गया यहाँ पर, क्योंकि इसका जो ऑयल फिल्टर है बाहर होता है, तो उस पत्थर कोई लग गया इस पर तो ये डैमेज हो सकता है, ऑयल सारा बाहर आ सकता है, इसके लिए यहाँ पर जो है आपको CNC में मिल जाती है ये इस तरीके का सम्प गार्ड। तो सम गार्ड हो गया, रेडिएटर गार्ड हो गया, क्रैश गार्ड हो गया, फॉग लैंप्स हो गए, यहाँ पर हेडलाइट ग्रिल पूरी, ये भी जो है एक लुक को भी इन्हेंस करती है। प्लस जैसे मान लो पहाड़ों वगैरह पे आप जा रहे हो, तो इस पर भी कोई पत्थर लगता है तो ये डैमेज हो सकता है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी रहती है और लुक को भी इन्हेंस करती है। वाइजर एक्सटेंडर जो बात कर रहा था, फिटिंग होने के बाद कुछ ही लुक एक बार दूर से दिखा रहा थोड़ा सा, तो ये वाइजर एक्सटेंडर हो गया अपना, और जिस तरीके इस तरीके की जितनी बाइक्स हैं, जैसे कि GS हो गया, हिमालयन हो गया, उन सब पे लग जाता है, बाकी आप चाहो तो किसी और बाइक पे भी लगा सकते हो। एक बार बैक साइड से यहाँ पर आके दिखाना लुक, तो जो राइडर पोजीशन है वहाँ से कुछ ये वाला लुक मिलने वाला है आपको, ये लो जी। एक यहाँ पर मोबाइल होल्डर हो गया, जो कि विदाउट चार्जर, और बाकी आप चाहो तो भाई चार्जिंग वाला लगा सकते हो, वायरलेस चार्ज के साथ करना हो तो वो भी लगा सकते हो। ये पहले से लगा हुआ था भैया का, जो कि इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये जो चीज़ है, ये जैसे आपका जो है टायर वगैरह, जो आपका प्रेशर बताता है कि कितनी इसमें हवा है कितनी नहीं है, साथ ही में टाइम का भी बता देता है, तो ये है। और कोई पंचर वगैरह होता तो भी पता चल जाता है यहीं से ही, तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर साइड स्टैंड जैकेट लगा रखी है, ये देख सकते हो, तो ये भी चीज़ है। और यहाँ पर टॉप बॉक्स जो था वो कुछ इस तरीके से आ चुका है, एक हेलमेट और भी काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है, काफ़ी प्रीमियम है ये अंदर, फुल्ली वाटरप्रूफ, और इसमें रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं, MG कंपनी का है, डिटैचेबल है, हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो, और इसकी जो फिटिंग है बस वही रह जाएगी, दो चाबियां मिल जाती है इसमें। इसके अलावा एक बार आपको साइड पैनल्स की फिटिंग दिखा देते हैं आपको, फिटिंग जो बात कर रहे थे शुरू में, TRK 500 स्पेशली, ठीक है जी। और ये जो फिटमेंट है ना, ये बहुत ही भाई जेन्युइन फिटमेंट है, ये स्टेनलेस स्टील, ऊपर से सिल्वर कोटिंग। अब एक बार आप इसको देख लो, ये कंपनी का वर्क है, और अगर आप ये लगवाते हो तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही सेफ्टी होने वाली है। और इसमें मज़े की बात ये है, ये उस साइड का फिटिंग है, इसमें जो फिटिंग है ना ये वाली साइड पिनर्स की, वो ऑलरेडी है, इसमें डबल फिटिंग नहीं करानी पड़ेगी आपको। अब इसमें क्या, अगर आप साइड पिनर्स लगवाओ तो पहले आपको फिटिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपका सीधे स्टाइल लगेगा, सैडल स्टे लगने के बाद इसी पे साइड पेनर्स आ जाएंगे,
ये लो लगा के दिखाना एक बार, ये आएगा जी इस तरीके से, ये देखो लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका। अब इस पर साइड पैनल सीधे लग जाएंगे डायरेक्ट, और उसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लॉक आ जाएगा उसका, इजी फिटेड है। ये चारों जो है लॉकिंग सिस्टम आ गए, ये की लॉक वाला सिस्टम आ गया पूरा, तो ये सब है भाई, और ये लगा सकते हो, टेंशन नहीं है। जो इसकी लॉक आता ना जिससे फिट होगा, वो जो पत्ती है वो भी इसकी स्टेनलेस स्टील होने वाली है। हाँ, वो भी है, तो इसी तरीके से है। और जैसा कि आपको बताया था KTM का, GS 310 का, 1250 का और आपका बेनेली का आप देख ही रहे हो, तो इसी तरीके से सारी बाइक्स कितना मिल जाए, कनेक्टिंग्स और भी हैं, नट बोल्ट भी साथ में मिल जाते हैं, प्रॉपर फिटिंग है, पीछे की ये रॉड आती है इस तरीके से, जो कि यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट होगी, जैसे है ना ये, तो इस तरीके से कनेक्ट हो जाती है, और इस पर कोई जंग लगने का सीन है नहीं, और पेंट भी इसका जो है कभी नहीं हटता। आपको काम होने के बाद कैसा लगा, जैसा देखा था वैसा लगा है कुछ? जैसे टीवी में देखा था, मतलब यूट्यूब में देखा था, टीवी में लगा के देखा था मैंने, यूट्यूब में जैसे देखा था वैसा ही एग्जैक्टली है, पूरा सेटिस्फेक्शन देते हैं। मेरे को लग रहा था कहीं कुछ कमी है, उन्होंने बोला कि अभी काम बाकी है, पूरा फिटिंग करके दिया है। जैसे मेरे को डमी स्विचेस में फॉग लाइट चाहिए था तो वैसे ही फिट करके दिया है, और जहाँ पे फिट नहीं हो रहा था उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी दिया है, सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। फॉग लैंप्स का जो स्विच था ना अलग से नहीं लगाया, जो स्टॉक स्विच आते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो उसी में कर दिया, येलो के लिए अलग है। और तो भैया को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई है शायद अभी तक मेरे हिसाब से? हाँ बल्कि आई वाज वेरी सेटिस्फाइड, बहुत सही से काम हुआ है, और अभी कुछ काम रह गया, भैया कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे, और कुछ पैनियर्स लगाने हैं मुझे, तो इस बार बजट नहीं हुआ था, नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे तो लगा लेंगे। जब पैनियर्स लगवाएंगे तो आपको जर्मन वाले इसके साथ ही फिटिंग मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो इसमें जुगाड़ करना पड़ता है, इसमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता। तो ये तो हो गया आपका काम ऑल ओवर, और अब बता दें कि आपका आइडिया मैंने दे दिया कितने का बजट है, तो एक बजट होगा जो कि टीआर के जो लेकर आए, कितने स्पेंड कर दिया आपने अब इसमें वो बता सकते हैं कि इसमें ये खर्चा है? हाँ तो जो एस्टीमेट था अराउंड मेरे पास 31 का एस्टीमेट था जी, तो उसी के हिसाब से हो गया है, और कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं, उन्होंने पहले कॉस्टिंग दे दिया था मुझे ताकि मैं यहाँ पे आके नेगोशिएट ना करूँ। ठीक है, ये अच्छी बात है, अपफ्रंट बोलना चाहिए बिजनेस में ताकि कस्टमर और क्लाइंट दोनों खुश रहें, और पता चले कि ये एक टाइम के लिए नहीं लग रहा, ये एक दो तीन साल के लिए लगा रहेगा, इसीलिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। 30,000 रुपये खर्चा है मतलब मोटा मोटा, 30-32,000 रुपये का इनका टोटल बजट है जो इसके अंदर आया हुआ है, और यही कर काम अगर आप बाहर से कहीं से करा तो वो बताए कितने के आसपास? वो ज़्यादा पड़ता है, अगर आप पैनियर्स लेते हैं TRK से तो वो पैनियर्स साइड पैनियर्स 3 सेट आएगा 90,000 का खाली, और यहाँ पे मेरे को ये 8,000 में रुपीज़ में मिल गया है विद बैक रेस्ट, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, सही है। बैक रेस्ट बताना भूल गया था, हाँ भैया ने बता दिया, सही है। एक्सटर्नल बैक रेस्ट होता है, किसी भी टॉप बॉक्स पे आप लगवा सकते हो हमारे पास। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऑल अबाउट सब कुछ ठीक है, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, स्क्रीन पर क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टिल गुड बाय, जय हिंद जय भारत। तो ये लो वाली स्टार्ट कर देते हैं सिनेमैटिक के बाद। सबसे पहले वाइजर एक्सटेंडर लगा रखा है जिसमें स्मोक ग्रे रैपिंग कर रखी है, लैमिनेशन जिसे कहते हैं, वाइजर पे भी लैमिनेशन कर रखी है। हेडलाइट ग्रिल देख सकते हो गाइस, जिसमें आपको TRK की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और मजे की बात ये है ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और इस तरह की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती है अगर आप अदर शॉप से करवाते हो या कहीं बाहर से करवाते हो, लेकिन अपने को टेंशन नहीं है। तो ये देख लो लुक यार, कुछ इसका इस तरीके से निकल कर आ रहा है। इसके अलावा फॉग लैंप्स लगा रखी हैं जो कि भाई बहुत ही प्रीमियम लुक दे देती हैं भाई। येलो करने के लिए कवर लगा लो, बाकी हटाओगे तो वाइट हो जाएंगी। हायरनेस वायरिंग के साथ है, कोई टेंशन है नहीं किसी भी तरीके की, वायर पर फर्क नहीं पड़ता ना, वायर फूकती ना कटती ना आपकी बैटरी पर इफेक्ट पड़ता है। फोर प्रोटेक्शन, ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं यार। ये फोर प्रोटेक्शन देख लो, मान लो कभी गलती से बाइक गिरेगा तो आपके सस्पेंशन में किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। जैनमैन कलर जो चाहो, रेडिएटर ग्रिल देख लो भाई, TRK के ब्रांडिंग के साथ भाई एक भी दिक्कत नहीं आने वाली है अगर रेडिएटर लगा लिया तो। फॉग लैंप्स का फोकस देख लो यार कितना अच्छा है, सम्प गार्ड नीचे लगा रखा है TRK की ब्रांडिंग, ताकि एक लगे कि भी हाँ प्रोफेशनली वर्क हुआ हुआ है। ये देख लो दोस्तों लुक देख लो यार। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका लुक आने वाला है। और फॉग लाइट का फोकस की बात करें तो वो भी आपको दिखा देते हैं, फ्लैशिंग है इसमें हायरनेस वायरिंग के साथ, यही तो फ़ायदा होता है। और तो कितना ज़्यादा ब्राइट है यार, मैं कह रहा हूँ अगर आप रात में लेके निकल गए तो भाई दिन हो जाएगा। फॉग लैंप के फोकस की बात कर रहा हूँ गाइस, तो ये डबल फॉग लैंप्स लगा रखी है, नीचे भी लगा रखी है ऊपर भी लगा रखी है, तो इस तरीके से। क्रैश गार्ड का लुक देख लो यार, स्लाइडर लगा रखा है एक्चुअली यहाँ पर, ये देखो फोर स्लाइडर लगा हुआ है इस पर, और लुक देखो कितना ज़्यादा बल्कि आ रहा है। इसको लगाने के बाद एक स्क्रैच भी नहीं आने वाला है आपकी बाइक के फेयरिंग पर कहीं से कहीं तक भी। लुक कितना ज़्यादा ह्यूज बल्कि आ रहा है यार, ये देखो
येलो कलर का है बाइक आपका, तो ब्लैक कलर का काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसकी जैकेट सी लग रही है एक्चुअली, ये देख लो फिटिंग। यहाँ पर फिटिंग की बात कर रहा हूँ तो चेसिस से कनेक्ट है, जिसकी वजह से इसकी बिल्डनेस मजबूती अलग लेवल पर जाती है। तो ये एक अलग चीज़ है भाई, ये देख लो काफ़ी अच्छा है। फॉग लैंप में जो है क्लैंप्स लगा रखे हैं ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन का इशू ना है, ये देख सकते हो। और बाकी लुक आप ही बता सकते हो यार कैसा लग रहा है। और ये है इसका फ्रंट का लुक, आई थिंक काफ़ी बेटर और काफ़ी ज़्यादा बल्कि लग रहा है यार, ये देखो। ऑल अबाउट जो है ना इसमें चीज़ें जितनी भी हैं जस्ट प्लग एंड प्ले हैं, किसी भी तरीके की अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती है और इजी टू फिट है। अगर आप कोरियर भी कराते हो तो खुद भी आप फिट कर सकते हो, इनफैक्ट दूर से भी देख लो लुक। और अब आते हैं यहाँ पर हैंडल बार पे, आप देख सकते हो। तो हैंडल बार पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिमटेक का मोबाइल होल्डर, जो कि चार्जिंग भी रहेगा, यानी कि वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हो, वायर से कर सकते हो, विदाउट चार्जिंग भी मिल जाएगा अपने आप, फुल्ली वाटरप्रूफ रहेगा। अगर आप रेनी मौसम में भी चला रहे हो बाइक तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर GoPro माउंट, कैमरा माउंट या फिर फ़ोन माउंट भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल है, किसी भी तरीके का कैमरा या फिर GoPro लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, राइडिंग के दौरान। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर साइड स्टैंड जैकेट, कच्ची पक्की ज़मीन में अगर आपने सिंगल स्टैंड पर लगा दिया तो ज़मीन में धंसती नहीं है, बाइक स्टेबल रहती है गाइस, ये इसका रहता है यूज़। और ये हो गया आपका भाई गियर शॉक्स। और गाइस यहाँ दिखा देते हैं आपको हम कुछ इस तरीके से, देखो हॉर्न भी लगा रखे हैं जो कि किसी तरीके का इसमें इशू नहीं आने वाला है चलान का, ठीक है जी। तो ये हॉर्न हो गए आपके, और जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे हॉर्न ऐसे होते हैं जो अगर आप लगाते हो तो चलान का इशू होता है, इसमें चलान का इशू नहीं होगा। साउंड में सुना नहीं सकता अभी इसमें, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो ऑफिशियली इसमें साउंड नहीं आएगा, बाकी साउंड इसका काफ़ी अच्छा है, लाउड है गाइस, ठीक है। और क्रैश गार्ड मैंने आपको दिखा ही दिया है, अब आप देख लो एक बार बैक साइड से साइड पैनियर्स, साइड पैनियर्स जो हैं वो उसकी फिटिंग भी देख लो यार, बहुत ही प्रीमियम है, इनको आप हटा भी सकते हो, डिटैचेबल है, महंगा सामान रख रखा है, होटल में हो साथ में ले जाओ निकाल कर, कोई टेंशन नहीं है, घर पर हो साथ में रख लो, जब जाना हो तब ही इनको लगाओ ऑन द स्पॉट, फिटिंग लगी रहेगी, ये चीज़ आपकी निकल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो साइड पैनियर्स हैं, टॉप बॉक्स की फिटिंग आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से साइड पैनियर्स की फिटिंग भी देख लो। तो जैसे मैंने आपको बताया डिटैचेबल है, हटा भी सकते हो, लॉकिंग सिस्टम है, और आपको अराउंड हर बॉक्स के साथ दो चाबियां मिल जाती हैं, एक एक्स्ट्रा में रख सकते हो आप, तो वो एक अलग चीज़ होती है, ये देख सकते हो गाइस। तो ये है टॉप बॉक्स में भी देख लो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त है, ये लीटर के हिसाब से आते हैं, तो जितने लीटर का आपको चाहिए आप बता देना, उस हिसाब से लग जाएगा जो आपकी नीड हो, ये देख सकते हो। इसमें भी डबल जो है लॉक रहता है, और एक हेलमेट और उससे भी ज़्यादा थोड़ा सामान भी आ जाता है, तो वो आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग देखना कि आप लोगों को कितने लीटर का लगवाना है। बाकी पीछे से लुक दो कितनी ह्यूज आ रही है भाई, एक कंप्लीट टूरर बाइक बन चुकी है इसको लगाने के बाद, ये देख लो जी। इस साइड का भी साइड पैनियर्स आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी अपने पास जीएस के भी मिल जाएंगे और अदर्स बाइक जो भी चाहो, प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, प्ले भी मिल जाएंगे, अगर आप लगवाना चाहो तो देखो स्प्लेंडर पे भी लगवा सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कौन सी बाइक है। अगर बैनिल की बात करूँ तो इस पर तो कोई टेंशन है नहीं भाई, ठीक है जी। तो फ्रंट तो उसका बल्कि था ही, बैक भी इसका बल्कि हो चुका है, रिफ्लेक्टर भी इसमें लगे मिल जाते हैं ताकि जो है विजिबिलिटी बनी रहे बाइक की, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है दोस्तों, ये देख सकते हो आप। तो ये हो गया इसका ऑल अबाउट लुक, ये लो जी क्रैश गार्ड का, यहाँ से भी देख लो एक बार लुक, तो काफ़ी बेटर लग रहा है यार। एक्चुअली क्या है ना, सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिनिशिंग पर डिपेंड करती हैं, तो फिनिशिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आता यार, तो वो एक चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर आके तो है इस बाइक की मॉडिफिकेशन जो आती है कम्प्लीट आई थिंक। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और पेनल्टी आर के 502 जो कि व्हाइट कलर के साथ, उसके बाद फिर एक और दिखाएंगे और उसके बाद फिर एक और दिखाएंगे भाई, तो अभी तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है काम इसका, तो आपको एक और दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या वर्क हुआ हुआ है और इसमें आपको क्या चला है, कमेंट करके ज़रूर बताना। जिस कलर की आपकी बाइक हो उस कलर पर आप ये सब काम करा सकते हो दोस्तों। तो इसका तो था वो तो यही मॉडिफिकेशन थी जो मैंने आपको दिखाई दोस्तों, ठीक है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रेयर है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको इनफेक्ट करानी चाहिए दोस्तों। Oh,
उसी तरीके से आप इसमें भी देख सकते हो, वाइट वाली में भी काफ़ी हद तक काम वैसे ही, उसमें स्मोक ग्रे वाइजर था और इसमें जो है ट्रांसपेरेंट लिया गया प्योर, इस पर अगर रैपिंग कराओगे तो सेम हो जाएगा भाई। तो ये वाइट पे भी लुक देख लो कैसा आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हेडलाइट का ग्रिल लगा रखा है सेम जो कि अभी आपने देखा, तो वो भी लुक देख लो एक बार और काफ़ी अच्छा आता है यार। देखो अगर आप इसको डीएल को ऑन करते हो तो ये कुछ ये वाला लुक देता है, काफ़ी हैवी भी है एक्चुअली। फॉग लैंप्स बिल्कुल सेम जैसा कि अभी आपने देखा था, डबल फॉग लैंप्स लगा रखे हैं एक्चुअली, और ये दोनों बाइक से जो है वो एक के साथ आई थी, और ये इसी तरीके से काम जो है वो उसका जो तालमेल है बिल्कुल बराबर सेम ही रखा गया है दोस्तों। जैसे कि फॉग लैंप्स आप देख रहे हो, फ्लैशिंग वगैरह इसमें सब चीज़ मिल जाएगी क्योंकि हायरनेस वायरिंग के साथ में है, जिससे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी बाइक की बैटरी पर एंड आपकी जो बाइक की जो वायरिंग होती है स्पेशली उस पर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जिन लोगों के पास वाइट है वो वाइट पे देख सकते हैं भाई कि कैसा लुक आ रहा है एक्सेसरीज का। जिन लोगों के पास येलो है येलो, ग्रे है तो ग्रे, ब्लैक है तो ब्लैक, तो ये आप लोग देख लेना, ठीक है जी। तो ये स्विच भी देख लो आप, फॉग लैंप्स का लगा रखा है और ये कुछ इस तरीके से भाई, मैं कह रहा हूँ इसमें जो भाई लाइट है ना वो अलग लेवल की है यार। ये देखो मैं कह रहा हूँ अगर आपने रात में ऑन कर दिया भाई तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मैं कह रहा हूँ आपके साथ में जो बाइक चल रही होंगी ना वो भी इसका एडवांटेज लेंगी, अपनी हेडलाइट बंद करके भाई आपके साथ चलेंगी, ये समझ लो इतनी रोशनी है। रेडिएटर ग्रिल भी देख लो गाइस, इसमें भी सेम है, हॉर्न इसमें सेम कर रखे हैं, तो इसी तरीके से इसकी भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज है। फोर्क प्रोटेक्शन भी लगा रखे हैं, फोर्क प्रोटेक्शन जिन लोगों को ब्लैक नहीं पसंद आ रहे तो वो सिल्वर ले सकते हैं या गोल्डन या फिर ग्रे, तो वो आप लोग देख लेना आप लोगों के किस कलर के लगवाने हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे कलर अपने पास मिल जाएंगे। तो ये नीचे से देख सकते हो आप, जैसे कि इसमें सम गार्ड वगैरह, हॉर्न वगैरह और रेडिएटर ग्रिल, और इसके अलावा आपका फोर्क प्रोटेक्शन, फॉग लाइट्स, तो यहाँ पर आके जो है ये वाली चीज़ हो जाती है कंप्लीट। और ये जो सम्प गार्ड है ये एक्चुअली एलुमिनियम में है तो इसमें जंग लगने की भी कोई टेंशन नहीं होती है यार। तो ये सब चीज़ें जो है एलुमिनियम बनवा रखी है, जैसे कि इसका हेडलाइट ग्रिल, रेडिएटर गार्ड एंड सम गार्ड, तो ये एलुमिनियम में है एक्चुअली दोस्तों। इसके अलावा भाई यहाँ पर अपना क्रैश गार्ड भी आप देख लो सेम डिज़ाइनिंग के साथ में, बस फर्क इतना है वो येलो थी ये वाइट है, और इसमें स्लाइडर लगा रखा है जो कि आप देख सकते हो, जो कि मान लो कभी गलती से बाइक गिरती भी है तो ये रोकने की कोशिश करता है और पूरी की पूरी सेफ्टी मिल जाती है और एक बल्कि लुक मिल जाता है और एक कंप्लीट बाइक बन जाती है। अब आप राइडिंग गियर्स वगैरह तो पहन लेते हो लेकिन बाइक की भी सेफ्टी, बाइक की भी जो है ना प्रोटेक्शन लगनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। चेसिस से कनेक्ट है ये भी सेम, फॉग लैंप्स की भी क्लैंप्स लगा रखी हैं ताकि किसी तरीके का वाइब्रेशन का इशू ना हो, और चेसिस से कनेक्ट होने की वजह से क्रैश गार्ड की जो मजबूती है, बिल्डनेस है, वो अलग लेवल पर हो जाती है। और यहाँ पर भी देख सकते हो साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगा रखा है, जिसे साइड स्टैंड जैकेट बोलता हूँ मैं आसान भाषा में, साइड स्टैंड कवर भी बोल सकते हो आप। और भाई ये है इसका लुक। हैंडल बार पे आते हो तो अगेन वहीं आपको सिमटेक का मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा फ़ोन आपका इजीली आ जाएगा इसमें, और इसको आप चार्ज कर सकते हो या फिर बिना चार्जिंग वाला भी ले सकते हो, वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। और यहाँ पर माउंट लगा रखा है, आप गोप्रो लगाओ, मोबाइल लगाओ, कैमरा लगाओ, ये कुछ इस तरीके से इसकी फिटिंग आती है मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बैक साइड में वो आते हैं तो यहाँ पर फिर वही देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको सेट पेनियर, स्टॉप बॉक्स और आपका जो है फिटिंग वगैरह प्रॉपर, जस्ट प्लग एंड प्ले। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं यार हमारा एक्सपेंसिव सामान है अगर हम इसमें रखते हैं तो हमें यार ये बाइक बाहर छोड़नी पड़ेगी, तो आप क्या कर सकते हो, बाइक तो आपको ऑफिशियली बाहर ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जो सेट पेनियर्स हैं, टॉप बॉक्स हैं जो कि बैकरेस्ट के साथ हैं, ये बैकरेस्ट मिल जाता है पीलियन के लिए, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ उठा के ले आ सकते हो, यानी कि इसको डिटैचेबल है, इसको हटाकर आप अपने साथ रख सकते हो होटल में या फिर अपने घर पर, या आपको लगता है अब राइड प्लान हो रही है तभी आपने लगाना है, बाकी फिटिंग इसकी लगी रहेगी। ये आप लोगों को तभी लगाना जब आपको जाना हो ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप देखते हो पकड़ने के लिए भी इसमें पूरी चीज़ें दे रखी हैं, डबल लॉक दे रखे हैं, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, फुल्ली मेटल में है, फुल्ली वाटरप्रूफ है, रेनी मौसम में भी अगर आप इसको राइड कर रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जंग लगने की टेंशन नहीं होती किसी भी तरीके की। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, एक बार लगा दिया सो लगा दिया, अगर आप फ्यूचर में कभी बाइक चेंज करते हो तो ये अपना उतार के रख लेना, जब दूसरी बाइक आप खरीदोगे तो उसमें आप लोगों के काम आएंगे भाई ये साइड पेनियर्स और टॉप बॉक्स, तो ये ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, हर बाइक के अलग अलग नहीं आते, एक बार आपने ले लिया अगर फिटिंग आप करवाओगे तो हम कर देंगे, चाहे कोई बाइक ले आओ आप, अब कोई बाइक ले आओगे उस पर लगा देंगे, ये टेंशन ही नहीं है कि आप लोगों को जो है एक्सपेंसिव बाइक ही लेनी है या कोई बाइक लेनी है, आपके 1250 तो 1250 में भी लग जाएगा भाई, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है। तो बैक साइड से भी काफ़ी ह्यूज और काफ़ी बल्कि लुक आ रहा है यार इसका, और मैं कह रहा हूँ एक कंप्लीट टूरर बाइक अब बनी है। तो ये आ गया इसका ऑल अबाउट लुक। क्रैश गार्ड भी बहुत ज़रूरी है भाई, तो वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ फ्रंट से भी, साइड से भी, और आप इस एंगल से भी। यहाँ पर आगे मॉडिफिकेशन रहती है कम्प्लीट आपकी वाइट वाली की। अब मैं आपको दो और दिखाऊँगा बाइक्स, जिसमें एक और है आई थिंक ग्रे कलर की है, कन्फर्म नहीं मुझे, और एक उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा और जो बिल्कुल न्यू कलर आया तो उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिखा रखा है, ज़्यादा काम नहीं है उसमें, लेकिन हाँ आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा
कि वो कलर कैसा है और उस पर जो है मॉडिफिकेशन कराते तो कैसा लुक आता है, एक आइडिया के लिए देख लेना। बाकी अगर आप कराना चाहते हो उस वाले कलर पे तो वो तो आपको लानी ही पड़ेगी क्योंकि अभी शॉप पर नहीं आई है। इसमें मैंने आपको 4-5 दिखा चुका हूँ और अभी वाले जो लास्ट आप 2 देखोगे उसको देख के पूरी 5 बैनली TR के कंप्लीट हो चुकी हैं अपने चैनल पर। बाकी और भी काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी, ये एक वीडियो के अंदर आपको 5 बैनली TR के दिखाई मैंने आपको गाइज, तो वो आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी एक और आप चेक करो कि उसका कैसा लुक। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर जो काम किया गया वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से किया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कि प्रॉपर फिटिंग के साथ है। देख सकते हैं आप कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये ना वन पीस के अंदर बनाया गया है। इतना बड़ा वन पीस के अंदर पॉसिबल नहीं होता बट हमने इसका पॉसिबल किया गया। फिटमेंट आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए एक एरी फिटमेंट, एक एरी फिटमेंट इधर और एक अपने इधर आपस में अटैच्ड हो गए हैं। तो पूरा तरीके से काम किया गया है। आपने इधर से देखी लुक और अब देखिए आप लोग इधर से, काफ़ी अच्छा लुक निकल के आ रहा है। ये देखिए जितनी बल्कि गाड़ी है उतना ही बल्कि आपको लगेगा कि गाड़ी में क्रैश गार्ड भी लुकिंग दे रहा है। और उसके साथ ही आपको दिखाएंगे इसके अंदर प्रोटेक्शन जो कि शॉकर प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्योंकि USD शॉकर और शॉकर काफ़ी महंगे होते हैं तो ये लोग लगवाएं तो ज़्यादा बेटर है। कोई सी भी गाड़ी हो आपकी सभी गाड़ी के अंदर आपका प्रॉपर फिटिंग आती है इसकी, देख सकते हैं इधर भी। इसके बाद आपको दिखाते हैं आपको हेडलाइट ग्रिल जो कि TRK की ओरिजिनल है, जेन्युइन फिटिंग, कोई जुगाड़ नहीं, कोई अल्ट्रेशन नहीं क्योंकि कोई भी काम हमारे यहाँ होता है तो अल्ट्रेशन वाला काम नहीं होता है, प्रॉपर फिटिंग के साथ ही आपको दिया जाएगा। तो नीचे दिखाते हैं आपको रेडिएटर गार्ड, ये देखिए ये रेडिएटर गार्ड है। फिटमेंट आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से है, कोई जुगाड़ इसमें भी नहीं है। और वहीं और नीचे आते हैं तो दिखाते हैं आपको सम गार्ड, ये सम गार्ड आप देख सकते हैं पूरा और एल्युमिनियम के अंदर है, काफ़ी हैवी क्वालिटी के अंदर बनाया गया है और सारा हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। चाहे आपको कुछ भी इसका आइटम जो सारा आपका हमारे यहीं पर बनता है। और ऊपर दिखाएंगे इसके अंदर वाइज़र एक्सटेंडर जो कि नॉर्मल वाइज़र लगा होता है तो उसके साथ में एक्सटेंडर की लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि राइड करते हुए थोड़ा सा एयर वगैरह विंड वगैरह कम आती है उससे, तो ये भी ज़रूरी है, ज़रूर लगवाएं। इसके बाद आपको दिखाते हैं ये GoPro माउंट, ये GoPro माउंट है, इसमें आप चाहो तो कैमरा लगा सकते हो या फिर आप मोबाइल भी लगा सकते हो, कुछ भी आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ये यहाँ पर फिट किया गया, इसे चाहो तो आप हैंडल पर भी फिटिंग कर सकते हो। और अब मैं दिखाना चाहूँगा फॉग लैंप का, फॉग लैंप की रोशनी जो कि विद हार्नेस है। ये देखिए हार्नेस का बटन, ये आपकी वाइट जल्दी, ये हाई पॉइंट हो गया, ये उससे भी हाई हो गया, ये लो। एक बैनली TR के यहाँ पर है 502 और इसमें भी जो है कुछ वर्क हो रहे हैं जैसे कि फॉग लैंप्स इसमें लगाई जा रही हैं क्लैंप्स के साथ, ये देख सकते हो आप। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके हो मेरी इससे पहले वाली वीडियो में और एक आध मैं आपको बैनली TR के और दिखाता हूँ जो कि बना ली थी लेकिन उस समय मैं ढंग से उसको एडिट नहीं कर पाया तो अब मैं उसको इस वीडियो में ऐड ऑन कर देता हूँ। बाकी ये कलर भी यार काफ़ी ऑसम लग रहा है बैनली का, अगर आप देखोगे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज, काफ़ी ज़्यादा बल्की लग रही है। ब्लैक भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है और ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छी गाइस। और इस पर जो ये वाइज़र है इसको